हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस को या पूरी चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है, वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए उन प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके हल करते हैं। ई सार्वंतर है, ए है 10, सार्वंतर है डी 10, 10 और 10 20, तो दूसरा पद हो जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरा पद आएगा दूसरा पद जमा सार्वांतर, दूसरा पद है 20 जमा 10 30। इसी प्रकार चौथा पद, चौथा पद होगा तीसरा पद जमा सार्वांतर 30 जमा 10 40। तो इस तरह से हम एपी के प्रथम चार पद निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए सूत्र है हमारे पास, ए एन बराबर ए जमा एन घटा एक बी, ये सूत्र है। इसका प्रयोग करके हम एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमें निकालना था दूसरा पद, तो यहाँ पर हम ए एन का मान रखेंगे 2। ए ए है पहला पद 10 जमा एन, एन है यहाँ पर 2, 2 घटा एक, एक गुणा बी 10 जमा डी था हमारे पास 10। आप इसको सीधा याद रख सकते हैं कि दूसरा पद होगा पहला पद जमा कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, तीसरा पद होगा दूसरा पद जमा सार्वंतर, चौथा पद होगा तीसरा पद जमा सार्वंतर। जो भी पद आपको निकालना है उससे एक पहले वाले पद के अंदर सार्वंतर को जोड़ देंगे। हमें निकालना है 20वां पद, तो हो जाएगा 19वां पद जमा सार्वंतर। सेकेंड क्वेश्चन है, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। एपी दी हुई हमें, इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। प्रथम पद क्या होगा इसका, जो सबसे पहले लिखा हुआ है ए 0.6, सार्वंतर डी होता है दूसरा पद घटा पहला पद या तीसरा पद घटा दूसरा पद। तो यहां पर लेंगे हम दूसरा पद घटा पहला पद, ए टू घटा ए वन, ए टू यहां पर है 1.7 घटा ए वन पहला पद है 0.6, इनको घटाएंगे हमारे पास आएगा 1.1, तो ये हो जाएगा इसका सार्वंतर और पहला पद हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनके पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है या नहीं है, वो देखेंगे हम। पहला निकालेंगे, पहला सार्वंतर होगा डी वन, वो निकालेंगे या डी कह सकते हैं हम, सार्वंतर निकालेंगे डी बराबर दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद है 0.22, पहला पद है 0.2, 0.02। अगला सार्वंतर निकालते हैं तीसरा पद घटा दूसरा पद, आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे पद में से पहला घटेगा, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, तीसरा पद है 0.222 घटा दूसरा पद, दूसरा पद है 0.22, ये आएगा 0.002। तो यहाँ पर दोनों यंत्र क्या है, अलग अलग हैं। ये अंतर था 0.02, यहाँ पर अंतर है 0.002, तो दोनों अंतर क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये पी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं, इसलिए ये पी नहीं होगी, एपी नहीं है, तो इसके अगले पद हमें मालूम नहीं करने। नेक्स्ट पार्ट है डी निकालेंगे, डी हो जाएगा दूसरा पद घटा पहला पद, दो ए घटा ए, ये आएगा ए, फिर निकालेंगे अगला डिफरेंस, अगला सार्वांतर 3a - 2a, तीसरा पद घटा दूसरा पद 3a - 2a, ये भी आएगा ए। तो यहाँ पर दोनों ही सार्वंतर क्या है, समान है, तो इसे हम कहेंगे एपी, अतः ये क्या हो जाएगी, एपी होगी। अब एपी है तो इसका सार्वंतर क्या था, सार्वंतर था यहाँ पर ए, सार्वंतर था ए। अब हमें बताना है तीन और पद लिखिए, तो 2, 1, 2, 3, 4, चार पद दिए हुए हैं, आगे तीन पद और बताने, हमें पांचवा पद बताना है। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद होगा चौथा पद जमा डी, चौथा पद है 4a जमा डी, डी कितना है
ए 4a जमा a 5a, छठा पद क्या होगा? छठा पद होगा पांचवा पद जमा डी, पांचवा पद निकाला है हमने 5a जमा d a, 5a जमा a 6। सातवां पद क्या होगा? सातवां पद होगा छठा पद जमा डी, छठा पद जमा डी, छठा पद हमारे पास है 6 जमा d, सार्वंत्र है a, ये हो जाएगा 7a। इस प्रकार हम इसके अगले तीन पद निकाल लेंगे। डी क्या हो जाएगा? दूसरा पद घटा पहला पद, ए का वर्ग घटा ए, कॉमन ले लेते हैं यहां पर, ए अंदर बचेगा, ए घटा एक, फिर निकालते हैं दूसरा डिफरेंस, दूसरा अंतर, तो तीसरा पद घटा दूसरा पद, ए की 3 घटा ए की 2, ए का वर्ग कॉमन आ जाएगा, ए घटा एक। दोनों ही अंतर क्या है? अलग अलग है, असमान है, बराबर नहीं है, डी हमारा समान नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों ही बार डी क्या आया है? अलग अलग है, तो इसको हम एपी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32, ये क्या एपी है? इसको चेक करेंगे हम, क्या ये एपी होगी? आइए देखते हैं, डी निकालते हैं, सार्वान्तर, डी निकालते हैं सार्वान्तर, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद है वर्गमूल 8 घटा पहला पद है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 घटा वर्गमूल 2, 4 को बाहर लेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंदर बचेगा वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 2, और ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, ये हमारा डी है। दूसरा अंतर निकालते हैं, तीसरा पद घटा दूसरा पद, तीसरा पद है वर्गमूल 18 घटा दूसरा पद है वर्गमूल 8, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2 घटा 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, 9 9 बार आ जाएगा 3, 3 वर्गमूल 2 घटा यहाँ से 4 बार आ जाएगा 2, 4 बार आएगा तो 2 आएगा बाहर, 4 को बाहर, यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 घटा 2 वर्गमूल 2, ये बचेगा वर्गमूल 2। यहाँ पर दोनों ही अंतर क्या है? समान है, क्या लिखेंगे? सार्वान्तर समान है, इसलिए एपी है, सार्वान्तर समान है, इसलिए ये एपी है। अब हमें इस एपी के अगले तीन पद बताने हैं। एपी के अगले तीन पद क्या होंगे? देखिए चौथा पद दे रखा है, पांचवा पद निकालेंगे, a5, पांचवा पद होगा चौथा पद जमा d, चौथा पद हमारे पास है वर्गमूल 32 जमा d, d हमने निकाला है यहाँ पर वर्गमूल 2, सार्वान्तर है वर्गमूल 2, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2, 16 को बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह आएगा 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, 5 को अंदर लेके जाएंगे हम, अंदर जाने पर 5 हो जाएगा 25, 25 गुणा 2 वर्गमूल, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है या 25 का वर्गमूल 5 होता है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 25 गुणा 2 50 वर्गमूल 50, तो हमारा अगला पद हो जाएगा वर्गमूल 50। छठा पद निकालेंगे, छठा पद हो जाएगा पांचवा पद जमा डी, पांचवा पद हम निकाले अभी वर्गमूल 50 जमा डी है वर्गमूल 2, फिर 50 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2, 25 बार आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, यह आएगा 6 वर्गमूल 2, 6 को हम अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 36 गुणा 2 वर्गमूल या वर्गमूल 72, 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 गुणा 2 72। अगला पद निकालेंगे सातवां पद, छठा पद जमा डी, छठा पद हमारे पास है वर्गमूल 72,
जमा डी, डी है वर्गमूल दो सार्वान्तर, बेहतर को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 8 जमा वर्गमूल 2। बेहतर को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2 जमा वर्गमूल 2। 36 12 आएगा 6, 36 का वर्गमूल 6, 6 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 ये हो जाएगा 7 वर्गमूल 2। 7 को अंदर लेके जाएंगे 49 हो जाएगा, 49 गुणा 2 वर्गमूल ये हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 98। तो अगले 3 पद हो जाएंगे वर्गमूल 50, वर्गमूल 72 और वर्गमूल 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए, एपी दी हुई है, इसका 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा इस एपी का 30वां पद है वो निकालना है। कोई भी एपी है उसका भी पद निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए जमा एन घटा एक डी, ये एपी का कोई भी पद निकालने का सूत्र है, या कह सकते हैं कि एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर हमें 30वां पद निकालना है, तो यहाँ पर एन का मान हो जाएगा 30, ए 30 बराबर एक पहला पद है 10 जमा एन घटा एक, एन है यहाँ पर 30 क्योंकि हम 30वां पद निकाल रहे हैं, 30 घटा 1 गुणा डी, डी होगा सार्वान्तर, सार्वान्तर यहाँ से निकालेंगे हम, डी होता है दूसरा पद घटा पहला पद, 7 घटा 10 घटा के 3, डी हमारे पास है -3 तो रखेंगे यहाँ पर -3, इसको हल करेंगे 10 जमा 30 घटा 1 29 गुणा घटा के 3 ये आ जाएगा 10, 29 गुणा घटा के 3 घटा के 87 ये आएगा घटा के 77, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इस एपी का 30वां पद होगा घटा के 77, ये इस एपी का 30वां पद होगा। नेक्स्ट पार्ट है एपी है, इसका हमें 11वां पद बताना है कि इन चारों पदों में से कौन सा इस एपी का 11वां पद होगा। तो आइए करते हैं, एपी का कोई पद निकालने का सूत्र है यहाँ पर लिख दिया मैंने, हमें निकालना है 11वां पद, तो एन का मान हो जाएगा 11, यहाँ रखेंगे 1 11 बराबर ए पहला पद है घटा के 3 जमा एन घटा एक, एन है 11 जो पद हम निकाल रहे हैं, गुणा डी, डी निकालेंगे यहाँ पर सार्वान्तर, दूसरा पद घटा पहला पद घटा 1/2 घटा 3 ये हमारे पास आएगा घटा 1 घटा 6 घटा के 7/2। हल करेंगे इसको, घटा 3 जमा 11 में से 10, 10 गुणा घटा के 7/2 घटा के 3 गुणा करेंगे इसकी, 2 से काट देंगे इसको, ये आएगा घटा के 35 बराबर घटा 38, तो माइनस के 38 ये हो जाएगा इसका 11वां पद, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, हमें इस एपी का ये बताना है कि कौन सा पद है वो 78 होगा। मान के चलेंगे कि माना एपी का एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए जमा एन घटा एक डी, किसी भी एपी का एनवा पद होता है ए एन, और ए एन बराबर होता है ए जमा एन घटा एक डी के बराबर। हम ये कह सकते हैं कि ए एन हमारे पास है 78, क्योंकि ए एन का मतलब है एनवा पद और वो हमने क्या माना है 78, तो ए एन की जगह रखेंगे 78 बराबर ए, ए है पहला पद, पहला पद है यहाँ पर 3 ए पी के अंदर जमा एन घटा एक, एन यहाँ पे निकालना हमें, गुणा डी, डी है सार्वान्तर, डी यहाँ से हो जाएगा दूसरा पद घटा पहला पद 8 घटा 3 5, तो 5 रखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे इसको, 78 बराबर 3 जमा
पांच से गुणा करेंगे, पांच एन घटा पांच, इसको आगे हल करेंगे, 78 बराबर 3 घटा 5 घटा 2, यानी 5n घटा 2 ये बचेगा। आगे और हल कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2 को 78 जमा 2 बराबर 5n, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5n बराबर है 80, और n हो जाएगा 80 भाग 5 16, n का मान आ गया हमारा 16। तो हम कह सकते हैं कि एपी का 16वां पद क्या होगा, 78। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपी का एक पद 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपी 11852 का एक पद घटा 150 है, और यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो हम मान के चलेंगे कि मान लो किसका एक पद 100 घटा के, तो हम मान के चलेंगे कि माना इसका एक पद घटा 150 है, क्योंकि मान के चलेंगे हमें, तो मान के चलेंगे तो उसमें हम पॉजिटिव में लेके चलेंगे कि हाँ है। माना माना एपी का एक पद घटा 150 है तथा वह एनवा पद है, क्योंकि इस एपी के अंदर अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर ये पद इस एपी का है तो इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं आएगा, तो मान लिया कि वो एनवे स्थान पर है, वो एनवा पद है। एनवा पद होता है ए एन, किसके बराबर लिया हमने, वो किसके बराबर माना है घटा 150, इस एपी का एनवा पद घटा के 150 है। ए एन होता है हमारे पास ए जमा एन घटा एक डी, रखेंगे यहाँ पर ए पहला पद 11 जमा एन घटा एक गुणा डी, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस या सार्वांतर क्या होगा, दूसरा पद घटा पहला पद 8 घटा 11 घटा के 3, तो गुणा घटा 3 बराबर घटा 150, क्योंकि ये एनवा पद है और किसके बराबर लिया हमने घटा 150 मान्य है, ये मान रखे हमने यहाँ पर, इसको हल करेंगे 11 जमा गुणा करेंगे 11 जमा घटा के 3 गुणा एन घटा 3n घटा 1 गुणा घटा 3 जमा 3 बराबर घटा 150, 11 घटा 3n जमा 3 बराबर घटा 150। यहाँ से हमारे पास 11 और 3 14, माइनस 3n बराबर माइनस 150, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 14 जमा 150 बराबर 3n, या ये कह सकते हैं हम कि 3n बराबर 164, और यहाँ से n का मान आएगा 164 बटे 3, 3 से भाग देंगे। हमने माना था n को कि n उसका कोई पद है, इस एपी में अगर कोई पद आएगा तो पांचवें छठे सातवें या आठवें नंबर पे आएगा, तो n का मान वहाँ पर एक प्राकृत संख्या होगी, तो हम ये कह देंगे कि इस एपी का एक पद घटा 150 नहीं होगा, तो हमने माना था वो गलत है, इस एपी का कोई भी पद घटा 150 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एन एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एपी 3 15 2739 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहां पर मान के चलेंगे हम कि माना एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, मान लिया हमने किसका एनवा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्योंकि तो कोई ना कोई पद तो जरूर होगा, और उस पद को हमने क्या मान लिया, एनवा पद। तो
तो एपी का एनवा पद क्या होगा, किसी भी एपी का एनवा पद होता है एन। 54वें पद से ये इस एपी के 54वें पद यानी A54 से 132 अधिक। तो यहाँ पर हमने पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अनुसार एक रिलेशन बना लिया कि एन एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा। इसको हल करते हैं एन। एन होता है ए जमा एन घटा एक डी, ए जमा एन घटा एक डी। ए पहला पद 3 जमा एन घटा एक, एन हमें निकालना है। डी इस एपी का सार्वान्तर हो जाएगा 15 घटा 3 12, दूसरा पद घटा पहला पद। ए जमा एन घटा एक डी है हमारा 12 बराबर A54। A54 हो जाएगा इसी सूत्र से, एन का मान क्या लेंगे 54। ए पहला पद 3 जमा एन घटा एक, एन यहाँ पर है 54 घटा एक डी, डी है 12 जमा 132। हमने सिर्फ क्या किया है, ए एन का मान यहाँ रखा है, ए चौ 54 का मान यहाँ रखा है। हम करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 12n घटा 12 बराबर 54 घटा 1 53 गुणा 12 जमा 132। 12n घटा 12 बराबर गुणा करेंगे 53 की और 12 की 636 जमा 132। 12n बराबर 12 को उधर लेके जाएंगे, 636 प्लस 132 ये हो जाएगा 768, 12 उधर जाएगा जमा हो जाएगा। 12n बराबर 768 जमा 12 780। यहां से हमारे पास n का मान आएगा 780 बटे 12 65, n हो जाएगा 65। एन का मान निकाल लिया हमने 65। हम शुरू में लेके चले थे कि एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हमें एन का मान ही निकालना था। यहाँ पर एन हमारे पास आया 65, तो हम कह सकते हैं कि इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 से अधिक होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एपी दी हुई हमें, तो हम मान लेते हैं एक एपी को हम ले लेते हैं A1 A2 A3 और दूसरी एपी को हमने ले लिया A1 A2 A3। इन दोनों का जो सार्वांतर है वो समान है, D हमें दे रखा है वो समान है, इनके 100वें पदों में अंतर। इस एपी का 100वां पद निकालेंगे हम, वो हो जाएगा A100। इस एपी का 100वां पद हो जाएगा A100, उनमें अंतर दे रखा है हमें 100 के बराबर, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है 1000वें पदों में अंतर, हमें मालूम करना है इन एपी के 1000वें पदों में। इस एपी का 1000वां पद हो जाएगा A1000, इस एपी का 1000वां पद हो जाएगा A1000, ये हमें मालूम करना है। हमें दिया हुआ है ये और सर्वांतर समान है, इसको लेके चलते हैं। इस एपी का 100वां पद क्या होगा, इस एपी का सूत्र हमारे पास होता है, किसी भी एपी का कोई भी पद हमें निकालना हो, एनवा पद निकालना हो, ये सूत्र होता है। तो यहां पर इस एपी का 100वां पद हो जाएगा A100। ए पहला पद A1 जमा एन घटा एक, एन है यहां पर 100 गुणा डी, डी दे रखा है दोनों में समान, उसको मैंने मान लिया डी घटा। इस एपी का 100वां पद हो जाएगा ए पहला पद A1 जमा एन घटा एक, एन यहां पर भी 100 है और डी, डी दोनों में समान है, तो डी को हम इसमें भी डी लेंगे क्योंकि डी दोनों के लिए समान है। हल करेंगे इसको, बराबर दे रखा है ये यहां से 100 के, A1 जमा 99D घटा A1, ये बाहर माइनस अंदर के निशान बदल जाएंगे, घटा
निन्यानवे डी बराबर 100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए वन घटा ए वन बराबर 100, इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब लेके चलेंगे जो हमें निकालना है, ए हजार घटा ए हजार, इनके हजारवें पदों में अंतर क्या होगा, निकालेंगे ए हजार। इसी सूत्र से ए पहला पद है ए वन जमा एन घटा एक, एन है यहाँ पर हजार, हजार घटा एक 999 डी घटा ए हजार, सूत्र लगाएंगे पहला पद, इस एपी का पहला पद है ए एक जमा एन घटा एक, हजार घटा एक 999 डी, ये आ जाएगा इस सूत्र से, ए जमा एन घटा एक गुणा डी। हल करेंगे इसको, ए एक जमा 999 डी घटा, निशान बदल जाएगा, ए वन घटा 999 डी ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ए वन घटा ए वन। अब देखिए हमने इनके हजारवें पदों में अंतर निकाल दिया, ए वन घटा ए वन यानी कि दोनों के, इन दोनों एपी के पहले पदों में अंतर और हजारवें पदों में अंतर बराबर होगा, और ये हमारे पास यहाँ से समीकरण नंबर एक से ए वन घटा ए वन किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन एपीज के हजारवें पदों के अंदर जो अंतर होगा वो बराबर होगा 100 के, यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है।